आज हम देखेंगे निजी और लोक प्रशासन के अंदर क्या अंतर है। पहले हम उसका अर्थ देखते हैं। आम तौर पर प्रशासन के दो रूप होते हैं, पहला है लोक प्रशासन और दूसरा है निजी प्रशासन या व्यक्तिगत प्रशासन। वे सार्वजनिक कार्य जो स्थानीय, प्रांतीय या राष्ट्रीय सरकारों द्वारा जनता के हित में किए जाते हैं, वह लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। इसके विपरीत वे कार्य जो निजी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किए जाते हैं, वह निजी प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। निजी प्रशासन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत हितों का विकास करना होता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की अक्सर तुलना की जाती है। इन दोनों के आपसी संबंधों के बारे में विभिन्न तरह के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला दृष्टिकोण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को में कोई अंतर नहीं मानता, वह मानता है कि दोनों समान हैं। दूसरा दृष्टिकोण दोनों के अंदर अंतर मानता है। तो हम पहले लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की मतलब तुलना करते हैं, तुलना में दोनों की समानताएं देखते हैं। हेनरी फ्योल उर्विक और मैरी पार्कर फोलेट आदि विद्वानों ने ये मत रखा है कि प्रशासन के मूल हैं वो एक जैसे ही होते हैं, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में। दोनों प्रकार के प्रशासनों की कार्यप्रणाली, उनकी तकनीक है वो एक ही है, उसके अंदर हम विभाजन रेखा नहीं खींच सकते। अब हम दोनों की कुछ समानताएं देखेंगे। पहली समानता है समान योग्यता। दोनों के लिए एक प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। दोनों में कार्यों का स्वरूप भी काफ़ी मात्रा तक एक जैसा ही होता है। दोनों ही प्रशासनों में कर्मचारी अपने पदों को एक दूसरे में अक्सर बदलते हैं। समान पद्धति, दोनों प्रकार के प्रशासन में समान प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रकार के उपकरणों के समुचित प्रशासन के लिए नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। दोनों में ही आंकड़ों को उपलब्ध कराना, इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, हिसाब किताब रखना, फाइलें व रिपोर्ट तैयार करना सेम कार्यप्रणाली है। तीसरी समानता है दोनों का लक्ष्य विकास और उन्नति है। दोनों ही प्रकार के प्रशासकों का लक्ष्य विकास और उन्नति है। विकास और उन्नति का सिद्धांत दोनों के लिए ही आवश्यक है। संगठन की आवश्यकता, दोनों प्रशासन संगठन को शरीर मानते हैं। यदि मानवीय और भौतिक साधनों का उचित संगठन ना किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों को पाना मुश्किल है। अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व, निजी और लोक प्रशासन के उत्तरदायित्व समान होते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि दोनों के अधिकारियों का लक्ष्य एक जैसा ही होता है। छठी समानता जनसंपर्क। जनसंपर्क के अभाव में चाहे कोई भी प्रशासन हो, निजी प्रशासन या लोक प्रशासन, सफल नहीं हो सकता। दोनों प्रशासकों का एक दूसरे को लाभ। वर्तमान में व्यापारिक व्यवहार और प्रक्रियाएं लोक प्रशासन पर अपना प्रभाव डाल रही हैं। लोक प्रशासन भी निजी प्रशासन के प्रयोगों को अपने क्षेत्र में अपना रहा है। महत्व एवं प्रशिक्षण, निजी प्रशासन के प्रबंधकों को लोक प्रशासन में और लोक प्रशासन के शासकों को निजी प्रशासन में महत्व दिया जाता है, और प्रबंधन संस्था लोक सेवकों को लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कार्यप्रणाली है, निजी प्रशासन की कार्यप्रणाली को अब ज़्यादातर भारत के सार्वजनिक उपक्रमों में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह जो निगम है उनमें। भर्ती प्रशिक्षण और अभिप्रेरणा की तकनीक, ये दोनों में समान रूप से ही लागू की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निजी और लोक प्रशासन में अनेक प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं, अतः इन दोनों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना कठिन है।
लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अनेक समानताएं होते हुए भी काफ़ी भिन्नताएं भी हैं। अब हम दोनों में असमानताएं और अंतरों को देखेंगे। कार्य क्षेत्र का अंतर। लोक प्रशासन सार्वजनिक कार्यों से संबंधित है व सरकारी कार्यों से, और निजी प्रशासन व्यक्तिगत कार्यों से है। लोक प्रशासन का उद्देश्य अपनी जनता का हित होता है और निजी प्रशासन का हित अपना व्यक्तिगत हित होता है। आधार का अंतर है। लोक प्रशासन के संगठन में नौकरशाही और लाल फीताशाही का अधिक बोलबाला है, वहीं निजी प्रशासन में व्यापार और व्यावसायिक आधार रखा जाता है। उत्तरदायित्व का अंतर। लोक प्रशासन के कार्यों का जनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, अतः लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, वहीं निजी प्रशासन अपने व्यक्तिगत हितों के लिए है और वह उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी है जो संस्था के मालिक हैं। कार्य क्षेत्र के विस्तार का अंतर। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राज्य की भौगोलिक सीमा होती है, वहीं निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित होता है। जहाँ तक उसका क्षेत्र है, उसका प्रायोजन केवल उसके ग्राहकों तक ही सीमित है। नियम और विधि का अंतर। लोक प्रशासन में नियम और विधि कानून का अधिक पालन किया जाता है और यहाँ जहाँ तक संभव अनुसार नियमानुसार ही काम होते हैं, सब विवेक से नहीं। वहीं निजी प्रशासन के अंदर अधिकारी अपने विवेक के अनुसार भी काम करते हैं। राजनीतिक प्रभाव का अंतर। लोक प्रशासन में राजनीति का गहरा प्रभाव है, जबकि निजी प्रशासन में राजनीति का प्रभाव उतना नहीं होता। अधिकार का अंतर। लोक प्रशासन में अधिकारी के नाम का कोई महत्व नहीं होता। जो भी कार्य किए जाते हैं वह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किए जाते हैं, जबकि निजी प्रशासन में व्यक्ति का अपने नाम का महत्व होता है और वह नाम के लिए ही काम करता है। सर्वाधिकार का अंतर। लोक प्रशासन के कार्यों में प्राय सरकार का सर्वाधिकार होता है, अर्थात वे कार्य निजी प्रशासन द्वारा नहीं किए जा सकते। कोई भी व्यक्ति उन कार्यों को घरेलू तौर पर नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति मतलब डाकिया है तो वो अपने घर पे पोस्ट ऑफिस नहीं खोल सकते, लेकिन निजी प्रशासन है उसमें सर्वाधिकार नहीं पाया जाता। वहाँ एक ही वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सी संस्थाएँ होती हैं। वित्तीय नियंत्रण का अंतर। लोक प्रशासन में सरकारी अधिकारी सेवकों पर वित्तीय नियंत्रण रहता है और उसे बजट के अनुसार ही अपना खर्च करना पड़ता है। वहीं निजी प्रशासन में प्रबंधक ही मालिक होता है। अपनी योजना पर धन खर्च करने के लिए वो स्वतंत्र होता है, उन्हें किसी की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती। सेवाओं में स्थायित्व का अंतर। लोक सेवा में सरकारी कर्मचारी हैं वह स्थायी होते हैं, उन्हें बिना अभियोग या बिना सफाई दिए सेवा से हटाया नहीं जा सकता, और निजी प्रशासन के कर्मचारी हैं वो स्थायी नहीं होते, वो मालिक की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। रुचि और लगाव का अंतर। लोक प्रशासन में कर्मचारियों में रुचि और लगाव का अभाव रहता है। अच्छे कार्यों का कोई विशेष पुरस्कार या पदोन्नति वगैरह नहीं मिलती। कर्मचारी अपने कार्य व उत्तरदायित्व व जनहित के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं आमतौर पर, और निजी प्रशासन के अंदर सेवा शर्तें हैं वो अस्थायी होती हैं, कर्मचारी को कभी भी हटाया जा सकता है, इसीलिए वो अधिक रुचि और उत्साह से कार्य करता है, अपने कार्य का श्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। राजशक्ति के आधार का अंतर। लोक प्रशासन में जनता के कार्य संपन्न करने के लिए सेना, पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका का बहुत बड़ा आधार है, जो राज्य शक्ति के आधार पर कार्य करने में सक्षम हैं। निजी प्रशासन के पास राज्य पुलिस वाली शक्ति नहीं होती। सिद्धांतों का अंतर। लोक प्रशासन में समानता के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। इसमें प्रशासनिक कार्य निर्णय निर्माण के आधार पर संपन्न किए जाते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता गवर्नमेंट सेक्टर में, और निजी सेक्टर में समानता का अभाव पाया जाता है। बिना किसी बाधा के वह अपने ग्राहकों के एक वर्ग को विशेष रियायत या छूट दे सकते हैं। लाभ नीति का अंतर। निजी प्रशासन का मूल उद्देश्य लाभ कमाना है और वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं।
सहयोग की भावना का अंतर। लोक प्रशासन में कर्मचारियों के बीच सहयोग की भावना होती है, उनके उद्देश्य सेम होते हैं, इसलिए मिलजुल के काम करते हैं। वही निजी प्रशासन में कर्मचारियों में हमेशा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना रहती है। विशिष्ट ज्ञान का अंतर। लोक प्रशासन में मंत्री आदि उच्च पदों के लिए चयन राजनीतिक आधार पर किया जाता है। इसमें कर्मचारियों को विशिष्ट ज्ञान के बजाय जिसकी राजनीतिक अप्रोच है वो उच्च पोस्ट पर पहुंच जाता है। और इसके विपरीत निजी प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्ति हमेशा विशिष्ट ज्ञान और योग्यता के आधार पर होती है। जनसंपर्क का अंतर। लोक प्रशासन में जनसंपर्क थोड़ा कम होता है, जबकि निजी प्रशासन में जनसंपर्क का ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट अंतर है आचार संहिता का अंतर। लोक प्रशासन में नैतिकता का एक न्यून स्तर बनाए रखना अनिवार्य होता है, जबकि निजी प्रशासन में नैतिक बंधनों का नहीं उल्लेख नहीं होता। राज्य के स्वरूप के प्रभाव का अंतर। लोक प्रशासन पर राज्य के स्वरूप का बहुत प्रभाव पड़ता है, मतलब राज्य कैसा है, प्रजातांत्रिक है, निरंकुश है या कुलीनतंत्रीय है, उसी तरह से लोक प्रशासन होगा। लेकिन निजी प्रशासन पर राज्य के स्वरूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हानि की प्रकृति में अंतर। लोक प्रशासन में यदि कोई कार्य ठीक से नहीं किया जाए तो वह जनता के हितों को हानि पहुँचाता है, जबकि निजी प्रशासन में अगर काम ढंग से ना हो तो आर्थिक हानि होती है। प्रतिष्ठा में अंतर। लोक प्रशासकों की समाज में प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती है और निजी प्रशासकों की है प्रतिष्ठा वो कम होती है। पूंजी का अंतर। लोक प्रशासन में पूंजी का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा पूंजी दी जाती है और जितनी आवश्यकता होती है उतनी मिलती है, और निजी प्रशासन में पूंजी है वो सीमित ही होती है। उसके विकास और विस्तार की एक सीमा होती है, उसी में खर्च की जाती है। नौकरशाही और व्यावसायिकता के आधार पर अंतर। लोक प्रशासन का संगठन नौकरशाही पर आधारित है, जबकि निजी प्रशासन है वो व्यवसायिक आधार पर गठित होता है। कानूनी स्थिति। लोक प्रशासन को संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि के निर्देशों के अनुसार काम करना पड़ता है। निजी प्रशासन भी कुछ बिंदुओं को लेकर उनके सरकार के अंगों के अनुसार कार्य करता है, वह अधिकांश क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। उत्तरदायित्व और जवाबदेही। लोक प्रशासन प्रजातांत्रिक परिवेश में जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है, और निजी प्रशासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। कुशलता का लेकर अंतर। लोक प्रशासन अकार्य कुशलता को वर्चस्व होता है, जबकि निजी प्रशासन में कुशलता और शीघ्रता अधिक होती है। उसके बाद है परिवर्तनशीलता। लोक प्रशासन में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जो नियम है वो प्राचीन समय से बने होते हैं, वो लंबे समय तक चलते रहते हैं, उनमें संशोधन बड़ी मुश्किल से होता है, और निजी प्रशासन में परिवर्तन है वो इजी वे से हो जाता है समय के अनुसार। राष्ट्र निर्माण को लेकर अंतर। लोक प्रशासन राष्ट्र निर्माण के लिए अपने सारे प्रयास करता है, सभ्य और संस्कृत को जीवित बनाए रखता है, जबकि निजी प्रशासन के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। दबाव को लेकर अंतर। लोक प्रशासन में विशेषकर सरकार में उच्च सत्रों पर अनेक प्रकार के दबाव बने रहते हैं, जबकि निजी प्रशासन में दबाव एवं जटिलताएं प्राय नहीं होती हैं। अब उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंदर काफ़ी असमानताएं हैं, किंतु वास्तविकता ये है कि दोनों प्रशासनों के अंदर जो अंतर है वह केवल मात्रा का है, गुण या प्रकार का नहीं। वास्तविकता ये है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन पृथक पृथक नहीं है, वरन यह एक ही प्रशासन के दो रूप हैं। उनकी जाति एक ही है, लेकिन इसमें दो हैं। ये दोनों एक ही मूल विधा की दो उपवर्ग हैं, किंतु इनका अपना अपना महत्व है। इन्हीं के कारण दोनों के भिन्न रूप ग्रहण कर लिया है। दोनों में बहुत से लक्षण एक जैसे हैं और बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से भिन्न भी हैं।